इन्वेस्टमेंट एक ट्रेंड बन चुका है। जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उसे लोग किस निगाहों से देखते हैं, भली भांति आप सोच रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करें, आपका फंड गाइस 50 लाख से ऊपर का होना चाहिए। जब आप 20 साल 25 साल में सोच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ऐसे 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर किसी का अपना कैपेसिटी होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 1000 रुपये मंथली, फिर भी आपका फंड 1 करोड़ तक का ऐसे बन जाता है। डिपेंड करता है कि आप ऐसे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या 25 साल के लिए। गाइस सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि हमें कितने सालों में ऐसे 1 करोड़ का फंड तैयार करना है या 50 लाख का फंड तैयार करना है। सपोज दैट अगर हम 75 लाख रुपए का फंड तैयार करना चाहते हैं 20 साल में या 25 साल में या फिर 15 साल में, तो कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो फंड है, हमारा जो कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने का, उसके हिसाब से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है 15 सालों के लिए, तो गाइस हमारा जो अमाउंट रहेगा, हम अमाउंट ऐसे उतना ही रखेंगे, ठीक है, और अपने उस अमाउंट के हिसाब से ईयर जो हमारा सिलेक्ट कर रखा हूँ हम 15 साल, उसको गाइस ऐसे 17 साल कर देंगे, 18 साल कर देंगे। इससे हमें प्रॉफिट ये होगा कि जितने साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 70 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए, तो थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट समय हम बढ़ा देते हैं तो गाइस हमारा करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। चलिए हम देखते हैं इसी तरह का एक छोटा सा ऐसे क्लिप बोर्ड पे। यहाँ पे जैसा मैं इन्वेस्टमेंट प्लान की बातें कर रहा हूँ, अगर आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी SIP में जिसका रिटर्न है मिनिमम 18% एनुअल देता है। गाइस 18% एनुअल का मतलब है कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं मिलेगा। आप ऐसे सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत कम सेक्टोरियल फंड है, सिलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे जनरल लोगों के लिए, जो इन्वेस्टमेंट ऐसे बिना किसी से पूछे सलाह से करते हैं उसके लिए। तो 18% अगर आपको एनुअल रिटर्न मिलता है तो गाइस यहाँ पे एक स्मॉल कैप ही म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें आपको 18% से ऊपर का रिटर्न मिलता है। देखना ये है कि गाइस 18% का तो रिटर्न मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2% तक का रिटर्न मिलेगा तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। 2 करोड़ में तो हमारा 25 साल अगर मिले तो हमारा ऐसे गाइस नुकसान होने वाला है। तो ऐसा नहीं होता है हर साल। सपोज दैट कि आपको ऐसे 1 साल ऐसे मिल गया 2% का रिटर्न, किसी साल आपको 40% का रिटर्न मिल गया, किसी साल 35% का मिल गया, किसी साल ऐसे 10% का मिल गया, इस तरह से रिटर्न ऐसे देता है म्यूचुअल फंड। ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसे 18% तक का ही रिटर्न आपको ऐसे देता रहेगा। अगर ऐसा होता तो कोई FD में इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं, सब लोग ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता, सबको समझ में आया था कि भाई 18% तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, चलो ऐसे यहाँ पर रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं हमें मिल जाएगा। 25 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो गाइस आपको आराम से 70 लाख रुपये का फंड ऐसे तैयार हो जाता है। इसमें ऐसे कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है, 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। गाइस अगर आपको 1 करोड़ रुपया का फंड आपको तैयार करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे 1000 से 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर ऐसे साल को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो साल तो काफ़ी है, 25 साल बहुत लंबा पीरियड है। बहुत लोग सोचते हैं कि 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस बुढ़ापा आ जाएगा, क्या करेंगे, किस तरह से अपने उस पैसे को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक होता है क्या, जो अगर आप बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ा सा अमाउंट नहीं है, रिजर्व रख सकते हैं इस फंड को। अगर उस समय यूज़ नहीं हो पाया 70 लाख रुपया गाइस, तो आप ऐसे अपने दूसरे चीज़ के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप 5000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपेबल हैं तो गाइस आपको यहाँ पे 25 साल के लिए नहीं 18 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 18 साल का ऐसे आराम से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LIC में इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं तो वहाँ पे भी 20 साल 21 साल 22 साल 25 साल या 18 साल 15 साल हर तरह का स्कीम होता है हर तरह। तो उसके हिसाब से अगर 18 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे 5000 रुपये मंथली से, तो यहाँ पे गाइस ऐसे हमारा करोड़ों का फंड आराम से तैयार हो जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर का फंड। तो गाइस इस तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हमें इतने परसेंट का 18% का ऐसा ग्रोथ मिलता है। अदरवाइज गाइस आप अगर कैलकुलेशन करते हैं किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर,
तो आपको गैस वहाँ पे 15%, 14%, 16% के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गैस सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वहाँ पे 15% से कैलकुलेशन करें। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसे 17%, 18% रख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप ही मिड कैप बन जाता है गैस, ठीक है, और मिड कैप ही लार्ज कैप बन जाता है। तो लार्ज कैप में ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि रिटर्न वहाँ पे कम मिलता है इसीलिए, और जो स्मॉल कैप होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप में ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस जैसे मिड कैप में और स्मॉल कैप में, अगर आपको कम समय में इन्वेस्टमेंट कर करोड़ों का फंड तैयार करना है तो। अदरवाइज गाइस आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कितने का आपका फंड ऐसे तैयार होता है। इस तरह से कैलकुलेशन करें, अपने फंड कैलकुलेट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें 5 ऐसे इसमें स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में मैं बातें करूंगा जो आपको 18% 19% 20% से ऊपर का ऐसे रिटर्न ऐसे देता है। उस तरह का मैं वीडियो लाकर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट किस में किया जाना चाहिए। जब से वो फंड ऐसे लॉन्च हुआ था उस समय से मैं उसका ऐसे रिटर्न मैं दिखाऊंगा, उस समय से अभी तक का कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आराम से गाइस हमारा करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। और करना भी चाहिए इसी तरह का फंड में जो है हमें लास्ट लॉन्ग लंबे समय तक के लिए हमें अच्छा ऐसा ग्रोथ देता है।